वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो देखा जाए तो जुलाई का ये पूरा महीना जो है कुछ धमाकेदार टीजर्स और ग्लिम्स के नाम रहा। रातों की नींद खराब करने का सिलसिला जो सलार के ग्लिम्स के साथ स्टार्ट हुआ था वो आज कैप्टन मिलर के टीजर के साथ खत्म हो गया। आज क्योंकि धनुष का जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स ने आज इस फिल्म के टीजर को रात 12 बजे रिलीज करवाया। टीजर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 मिनट 33 सेकंड के आसपास का टीजर जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। उसमें से भी अगर देखा जाए तो बोलने और बताने के लिए जो चीजें हैं वो हमें केवल पहले 1 मिनट के अंदर ही देखने को मिलती हैं। और उसे देखकर मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म कैप्टन मिलर का ये जो टीजर आया है वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। जहां इस टीजर की सबसे अच्छी बात यह है कि विजुअली ये टीजर जो है बहुत ही साफ सुथरी नजर आ रही है। कहीं पर भी कुछ बेवजह का VFX नहीं है। एक्शन हो, ब्लास्ट हो, फायरिंग हो, हर एक चीज जो है बहुत ही रॉ और बहुत ही रियल नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत में हमें एक पोस्टर देखने को मिलता है जहां पे पोस्टर पे मिलर नाम के व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपए का जो है इनाम रखा गया है। अब यहां पर ये तीनों चेहरे जो है हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं और ये तीनों चेहरे ही जो है फिल्म के अंदर धनुष के होने वाले हैं। हालांकि टीजर के अंदर धनुष का एक ही लुक नजर आया बट इस पोस्टर को देख के साफ पता चलता है कि फिल्म के अंदर धनुष हमें 3 डिफरेंट लुक्स में जो है नजर आने वाले हैं। और ये धनुष के कोई नई और बड़ी बात है नहीं। साल में वो अगर 5 फिल्में भी कर लेते हैं तो हर एक फिल्म के अंदर उनका डिफरेंट लुक होता है। और कभी कभी जब कैप्टन मिलर जैसी फिल्में आती हैं तो एक ही फिल्म के अंदर उनके 3 डिफरेंट लुक्स होते हैं। चेंजेस देखा जाए तो सिर्फ दाढ़ी, मूंछ और बालों में होता है और फिर भी जो है कैरेक्टर उनका हर बार बिल्कुल नया सा फील होता है। और ऐसा ही कुछ फील जो है यहां पर कैप्टन मिलर के टीजर में उनके लुक को देखकर हो रहा था। मतलब क्या लुक बनाया है इन्होंने यहां पर। जिस तरीके का लुक है उनकी आंखों में, वो जो इंटेंसिटी है टीजर को एलिवेट करने के लिए काफी थी। टीजर में उनके अलावा यहां पर फिल्म के बाकी एक्टर्स को भी जो है कुछ कुछ सेकंड का जो है स्पेस दिया गया है। चाहे बात करें संदीप किशन की, डॉक्टर शिवराज कुमार की और सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली प्रियंका मोहन की। टीजर के अंदर प्रियंका मोहन लिटरली मुझे बंदूक पकड़ी नजर आई जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और केवल नाम मात्र के लिए बंदूक नहीं पकड़ी है, एक फ्रेम के अंदर वो बहुत ही इंटेंस मोड में भी जो है नजर आ रही है। प्रियंका मोहन को इस टाइप के कैरेक्टर में कास्ट करना ही जो है अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन है और मैं पर्सनली देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि डायरेक्टर साहब उनके द्वारा फिल्म के अंदर कैसा काम निकाल पाते हैं। अब टीजर की ओवरऑल यहां पे जो एडिटिंग देखने को मिल रही है उसमें मुझे पर्सनली जो है एक बेसिक फ्लो जो है मिसिंग नजर आया। बट क्योंकि कट्स इतने फास्ट रखे गए हैं, टीजर का हर एक फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और उससे भी कमाल के नजर आ रहे हैं धनुष, जो कि कहीं ना कहीं कुल मिलाते हुए टीजर की एडिटिंग पर ज्यादा ध्यान जाने ही नहीं देते हैं। टीजर में नजर आने वाले कुछ फ्रेम्स को देखकर साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक बड़े स्केल पर शूट की गई है और इस फ्रेम को, पर्टिकुलरली इस फ्रेम को अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी बिग बजट एपिक वॉर ड्रामा फिल्म का कोई फ्रेम हो। मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन सीन का क्या स्केल होने वाला है, क्या माहौल होने वाला है, उसका अंदाजा आप केवल इस एकमात्र फ्रेम से लगा सकते हो। ये एक तरफा टीम है, ये अंग्रेजों की फौज देखने को मिल रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए जो सामने यहाँ पर कैप्टन मिलर की फौज होगी, वो जब सामने से आएंगे तो कैसा धमाका होगा। बाकी जीवी प्रकाश के द्वारा दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। ओवरऑल टीजर के मूड को सेट करने में बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब होता है। शुरुआत जिस तरीके से होती है धीरे धीरे करके इस फायरिंग वाले सीक्वेंस पर जाकर जो पीक लेता है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो कहीं ना कहीं कमाल का था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो एडिटिंग में कुछ फ्लॉज को अगर इग्नोर किया जाए तो एक सॉलिड और प्रॉमिसिंग टीजर यहां पर निकल के आया है जो कि विजुअली बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है। ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म के टीजर को लेकर। आपको ये टीजर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये फिल्म 15 दिसंबर को इस साल के अंत में रिलीज होने जा रही है और ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है कि फिल्म जो है हिंदी में भी रिलीज होगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।